नमस्कार। सैडोल छुई मिट्टी खदान धंसने से 6 मजदूरों की हुई मौत, करीब आधा दर्जन हुए घायल। सैडोल के ब्योहारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पपरेही में छुई मिट्टी की खदान धंसने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब आधा दर्जन से ज्यादा मजदूरों की खदान में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी सूचना पुलिस को मिल गई थी। इसके बाद घटना स्थल की जानकारी मिलने के बाद विधायक शरद कोल जो कि मौके पर पहुंच चुके थे, सैडोल क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी दुखद घटना देखने को मिली है। लाशें छुई खदान के नीचे दबे होने के कारण उन्हें निकालने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके लिए जेसीबी मशीन बुलाई गई है और फिर लाशों को निकालने का सिलसिला शुरू किया गया है। अभी तक 6 लाशों को बाहर निकाला जा चुका है। अभी और भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं स्थानीय विधायक शरद कोल ने इस संदर्भ में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अवगत कराया। शिवराज सिंह चौहान ने सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है, साथ ही इस घटना की जांच करने के आदेश भी दिए हैं। धन्यवाद। आज सुबह की घटना है। आज सुबह जो है स्थानीय जनों ने फोन से सूचना दी कि यहाँ पर एक छुई की खदान थी, जो कि एक प्राइवेट व्यक्ति के ही आराजी में वो लोग खनन कर रहे थे। आज करीब ये काफ़ी 10 वर्षों से ये लोग खनन कर रहे थे और उसमें काफ़ी सुरंग हो जाने के कारण उसमें ये औचक घटना घटी है, जिसमें आशंका बताई जा रही है कि उसमें 10 से 15 लोग थे, जिसमें से 4 से 5 लोग जो घायलों को पहुंचाया गया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और उसमें से करीब 5-6 की बॉडी अभी निकाली जा चुकी है। और ग्रामीण जनों को बताना है कि करीब उसमें 4-5 लोग और दबे हैं। अभी इसकी पुष्टि पूरा अपना शासकीय अमला लगा है खंगालने में, रेस्क्यू चल रहा है निरंतर। उस पर जो है ये पुष्टि तभी हो पाएगी जब पूरी वहाँ पे इंक्वायरी कर लें। इसके बाद जो है तो इस घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जब हम आए तो बड़ी दुखद घटना है। ग्रामीण जन काफ़ी परेशान हैं इस बात को लेकर, और इस बात को हमने सूचना अवगत कराई है जिले के कलेक्टर को, माननीय सीएम साहब को। सीएम साहब के द्वारा आदेश किया गया है कि इसको मृतक परिवार के साथ हम हैं और पूरा शासन उनके साथ में, उनको तत्कालीन राहत के लिए जो है 2-2 लाख रुपए की घोषणा करने के लिए मुझे आदेश दिया है। और इसके अलावा उनको जिस तरह की मदद चाहिए पूरा शासन प्रशासन उनके साथ खड़ा है। इस दुख की घड़ी में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, पूरा शासन प्रशासन उनके साथ।